इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सिलोडाल डी 8 कैप्सूल को हर दिन एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए। इसे साबुत निगल लें, इसे तोड़ना, चबाना या कुचलना नहीं है। आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे उपयुक्त खुराक निर्धारित करेगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए तथा आपके लक्षणों का प्रभावी तरीके से इलाज करने के लिए आपको कोई भी खुराक छोड़नी नहीं चाहिए, भले ही आपको बेहतर महसूस हो रहा हो। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में सेक्स की इच्छा में कमी, उत्तेजित होने में असमर्थ नपुंसकता, स्तनों में कोमलता और स्तनों को आकार बढ़ना शामिल है। अगर आप इन साइड इफेक्ट से परेशान हैं या यह ठीक नहीं हो रहे हैं तो सलाह के लिए डॉक्टर से बात करें। आप चक्कर आना या बेहोशी भी महसूस कर सकते हैं। जब आप पहली बार यह दवा लेना शुरू करते हैं तो ये जोखिम अधिक होते हैं। याद रखें, आपके डॉक्टर ने आपको यह दवा इसलिए दी है क्योंकि इसके फायदे साइड इफेक्ट के जोखिमों से अधिक हैं। इस दवा को महिलाओं या बच्चों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। इसे लेने से पहले अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या लिवर या किडनी की कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। यह दवा उपयुक्त नहीं हो सकती है। यह अन्य दवाओं को भी प्रभावित कर सकता है या उनसे प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में जानकारी दें। आपको सेक्स के दौरान कॉन्डोम पहनने और अपने ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी जा सकती है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो अपनी हेल्थ केयर टीम से बात करें। सिलोडाल डी कैप्सूल के लाभ। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का इलाज। जब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है तो इससे पेशाब की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेशाब करने में समस्या और बार बार तुरंत पेशाब जाना पड़ सकता है। इससे पेशाब का प्रवाह धीमा भी हो सकता है। अगर इलाज नहीं किया जाता है तो आपका मूत्र प्रवाह अवरुद्ध होने का खतरा हो सकता है। सिलोडाल डी 8 कैप्सूल दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है जो प्रोस्टेट के बढ़ने के लिए जिम्मेदार हार्मोन को बनने से रोकता है और प्रोस्टेट के साइज को कम करता है। इसके अलावा यह ब्लैडर और प्रोस्टेट में मांसपेशियों को आराम देता है। साथ में वे तेजी से लक्षणों को दूर कर सकते हैं जिससे आपकी पेशाब की परेशानी से राहत मिलती है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस दवा को डॉक्टर के बताए अनुसार ही लें। साइड इफेक्ट्स ऑफ सिलोडाल डी कैप्सूल। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। सिलोडाल डी के सामान्य साइड इफेक्ट। वीर्य स्खलन से जुड़ी समस्या, नपुंसकता, सिर दर्द, चक्कर आना, सेक्स की इच्छा में कमी, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर का कम होना, मिचली आना, पेट में दर्द, पुरुषों के स्तन में वृद्धि, पुरुषों के स्तन मुलायम होना। हाउ टू यूज सिलोडाल डी कैप्सूल। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। सिलोडाल डी 8 कैप्सूल को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।